एटोमी के तरफ से नमस्ते। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही अच्छा मुद्दा लेके आया हुआ हूँ। आप जब किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चूज करते हैं, क्या चीज़ आप देखते हैं? हम लोगों को इसमें तीन चीज पे फोकस करना चाहिए, 3P। फर्स्ट P इज फॉर प्रोफाइल। किसी भी कंपनी चूज करने के पहले उसका प्रोफाइल आप अच्छी तरीके से जानें। प्रोफाइल में सिर्फ कंपनी भी नहीं आता है, उसके अंदर लीडरशिप भी आता है। प्रोफाइल के बारे में मैं एटोमी का प्रोफाइल थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। एटोमी स्टार्टेड इन 2009, 10 साल हमारा बिजनेस रन हुआ है। इस 10 साल में लास्ट ईयर 2019 में हमारा ऑल ओवर द वर्ल्ड टोटल सेल्स नंबर है $1.3 बिलियन। $1.3 बिलियन का मतलब अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो आज के तारीख में डॉलर का अगर वैल्यू 75 रुपया लेते हैं तो वो होता है 9,750 करोड़ इंडियन रुपीज। सो ये कम नंबर नहीं है। और सिर्फ ये नहीं, हम लोग इंडिया में हम लोग ओपन करने जा रहे हैं। सो 16 डिफरेंट कंट्री में हमारा प्रेजेंस है। एटोमी इज ऐसा एक कंपनी है जिसका हर सेमिनार, हर एक सेमिनार, वन डे सेमिनार ले लो आप या फिर आप सक्सेस सेमिनार ले लो, हर एक सेमिनार जो है कंपनी की तरफ से ही ऑपरेट होता है। और 2019 में हमारा टोटल सेमिनार 3,816 सेमिनार हम लोग रन कर चुके हैं, जो कि कंपनी का प्रोफाइल में आप देख सकते हो कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है। कितना आप लोगों को अच्छा लगेगा आपको ये जान के कि कंपनी का प्रोफाइल अच्छा होगा तो मैं ज्वाइन करूँगा वहाँ पे। इसीलिए आप एटोमी चूज करें या कोई भी कंपनी चूज करें, प्रोफाइल को सही तरीके से जानिए। और आपको ये भी पता है कि हमारे हान गिल पार्क, हमारे जो चेयरमैन है कोरिया में, हाउ स्ट्रॉन्ग लीडर्स ही इज। ए कोरियन KDSA प्रेसिडेंट हैं। सिर्फ ये नहीं, इन्होंने बोलते रहते हैं हर किसी जगह पे, वी आर री राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ डायरेक्ट सेलिंग मार्केट। हम लोग जो हैं इसको फिर से नया एक हिस्ट्री ले आ रहे हैं। सो आप प्रोफाइल जो है सोच समझ के देखिएगा, और कंपनी चूज करने के पहले प्रोफाइल अच्छी तरीके से देखिएगा। सेकेंड पी के बारे में अभी मैं आपको बोलता हूं। सेकेंड पी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट्स। एटोमी का प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी में आपको पता है कि एब्सोल्यूट क्वालिटी विद एब्सोल्यूट प्राइस होता है, और उसको हम लोग मैस्टीज बोलते हैं। मैस्टीज मतलब मास नंबर ऑफ प्रेस्टीज प्रोडक्ट वी प्रोड्यूस। बहुत सारे हमारे लीडर्स लोग हमें पूछते रहते हैं, आप लोग क्यों कम दाम का थोड़ा चीप नहीं बनाते हो? उसमें मैं बोलता रहता हूँ, देखिए हम लोगों का क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, और उस क्वालिटी में मार्केट में हमसे ज़्यादा चीप नहीं मिलेगा। जैसे कि एक नॉर्मल सा हम लोग एग्जाम्पल देते हैं टूथपेस्ट के बारे में। हमारा प्रोपोलिस वाला जो टूथपेस्ट है 200 ग्राम्स का MRP हम लोग, आप लोगों को पता है कि MRP अभी 400 रुपया है। आप मार्केट में देख लो प्रोपोलिस वाला किसी भी टूथपेस्ट का 200 ग्राम्स MRP 400 रुपया में आपको नहीं मिलेगा। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि नॉर्मल टूथपेस्ट क्यों नहीं लेके आते हो, ये स्ट्रेटेजी भी हमारा है बाद में, बट पहले हमारा क्वालिटी तो अच्छा हो, वो क्वालिटी को मेंटेन करें। और उस क्वालिटी मेंटेन के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, हमारा क्वालिटी कंट्रोल बहुत ही स्ट्रांग है। आपको पता होगा कि कोरिया में हमारा प्रोडक्ट्स है ऑलमोस्ट 400s। इंडिया में भी हमारा प्रोडक्ट्स धीरे 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 बढ़ता रहेगा, मगर हम लोग क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। सो प्रोडक्ट्स को आप सही तरीके से देखिए और उसके हिसाब से आप डिसाइड किए कीजिए कि आपको ये कंपनी ज्वाइन करना है कि नहीं। थर्ड जो है वो होता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जिसमें हमारे हर लीडर्स का, हर मेंबर्स का इंटरेस्ट रहता है, वो रहा प्लान। देखिए, आपके पास अगर प्रोफाइल अच्छा है, आपके पास अगर प्रोडक्ट अच्छा है और प्लान अच्छा नहीं है, देन ये कंपनी कभी भी आपको सक्सेस नहीं दे सकता है। एटोमी का जो प्लान है, विच इज़ वेल बैलेंस एंड राइटियस प्लान हम लोग बोलते रहते हैं, ये प्लान वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मशहूर है। सिर्फ ये नहीं, आपको जान के ये खुशी होगी,
हमारा सेल्स का 35% आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है। सो 35% जो होता है हमारे मेंबर्स के साथ हम लोग शेयर करते रहते हैं। आप किसी भी कंपनी का प्लान देख लीजिए, उसमें 35% शायद ही शेयर किया जाता है। और मैं और भी एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, अगर किसी कंपनी 35% से ज़्यादा शेयर करता है देन देयर इज अ रिस्क, क्योंकि एक कंपनी को सस्टेन करने के लिए ज़्यादा प्रॉफिट अगर शेयर करता रहता है वो कंपनी ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता है। सो हमारे चेयरमैन हान गिल पार्क ने एक बहुत ही अच्छा बैलेंस्ड प्लान बनाया हुआ है। उस प्लान के मुताबिक 35% से अगर ज़्यादा करते हैं तो एक कंपनी के लिए प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है, और यही हम लोग मैक्सिमम शेयर कर सकते हैं। आप कंपनी चूज करने के पहले 3 P पर ध्यान देना, प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, सेकेंड वन इज प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी, थर्ड वन इज प्लान ऑफ द कंपनी। ये 3 P में आप सहमत हो तो ही ज्वाइन करना, किसी भी कंपनी में आप ज्वाइन करें डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में। इस 3 मुद्दे को हम लोग अगर देखें तो एटमी इज कमिंग इन ए वन ऑफ द बेस्ट प्लेस, तभी जाके हम लोग 14 डिफरेंट कंट्रीज में काम कर रहे हैं और इंडिया में भी हम लोग काम करेंगे। सो हम लोग ये टैग लाइन भी बोलते हैं और हमारे चेयरमैन भी ये बोलते रहते हैं, 10 years ऑफ ड्रीम हैज अचीव्ड, 10 साल का ये कंपनी है, हम लोग 10 साल अचीव कर चुके हैं, और 100 years ऑफ ड्रीम्स टू कम। 100 years क्यों बोलते हैं, आपका मेंबरशिप कैन बी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जेनरेशन, आपका लड़का या लड़की को जा सकता है, और आपका लड़का या लड़की का मेंबरशिप उनके लड़के या लड़की को जा सकता है जो कि आपके पोते होंगे। सो ये 3 generations होने के लिए हम लोग 100 years बोलते हैं। इसीलिए आप हमसे जुड़िए और आपका फ्यूचर ब्राइट हो, यही मैं बोलूँगा। नमस्ते एंड धन्यवाद, थैंक यू।